वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो था ना, अब जो जिमिन था, जिमिन की फैमिली के सामने योनमिन बैठा था और साइड में ना जिमिन बैठा था अपना बिल्कुल हेड नीचे करके। उसको ना ऑलरेडी उसके ना बहुत ज्यादा डांट पड़ चुकी थी और उसके ना आई स्वेलन रेड हो गई थी, क्योंकि वो एक्चुअली प्रेग्नेंट था, वन मंथ और थ्री वीक्स प्रेग्नेंट था। और ना जैसी ये बात उसके घर वालों को पता चली, पहले तो नहीं पता चली ना, जो योंगी को पहले जिमिन को पहले पता चल गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसने ना इस बारे में योंगी से बात की थी, तो योंगी बोलते कि ना मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा और तुम्हें ऑफिशियली अपना वाइफ बनाऊंगा। उससे पहले वो डेटिंग कर रहे थे और अब दोनों बहुत ज्यादा डीपली एक दूसरे के साथ लव में भी थे। तो वो ना सारे बात बताते हैं और फिर ना उसके बाद वो अचानक से ना अनकॉन्शियस हो गया था, तो सब घर वालों को पता चल गया कि ना जो जिमिन है वो प्रेग्नेंट है, तो सब उससे पूछते हैं। तो फिर ना जिमिन कहता है कि मैं आपको ना कल मिलवा दूंगा, तो सारे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर ना ओके बोल देते हैं। बट जे आर एम और ना जिन उसको मिलके ना बचा लेते हैं। और यहाँ पे अभी ना जो योंगी के साथ ना जो भी बैठा हुआ है, क्योंकि जो जिमिन क्योंकि जो योंगी के लिए ना उसकी फैमिली में ना सिर्फ उसके नाम वो है जियो है एक तरह का, तो जियो को ना वो अपना ना छोटा भाई समझते हैं, तो इस वजह से उस पर ट्रस्ट करता है। तो अभी फैमिली के तौर पे सिर्फ योंगी के साथ ना ये हुआ है जियो है। और इधर ना यहाँ तेकुक भी बैठे हुए हैं, नामजून, जिन और ना जिमिन के पेरेंट्स और जिमिन खुद, तो सारे ना टी लॉन्च में बैठे लिविंग रूम में बैठे हुए और फिर ना सारे देख रहे हैं। जो जिमिन था वो ना बस नीचे बैठा हुआ था, उसके साथ ना तेकुक दोनों बैठे हुए थे, उसको ना कंसोल करने का ट्राई कर रहे थे। बट जो जूंगी का था उसको दिमाग खराब हो रहा था कि उसके हस्बैंड के साथ, जो सोंटू भी इसके हस्बैंड होने वाला है, उसके साथ कौन ऐसे बैठ सकता है। बस उसको देख रहा था और फिर ना वो गहरी सांस लेता, क्योंकि उसको ना वैसे पता तो था उन दोनों के बारे में, बट स्टिल उसको ना वो हो रहा था, बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। और फिर ना उसके बाद जो मिस्टर पार्क बोलते कि आप क्या चाहते हो कि हमसे, तो वो कहते कि ना मुझे बस आपका बेटा चाहिए, मैं आपके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और कुछ नहीं, और अगर आपको मेरा माफी होने से कोई प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बता दूं कि आपको इससे कोई होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये चीज आगे कभी भी आपके पर्सनल लाइफ में या फिर जो जीवन को ये चीज कभी भी कोई हर्ट नहीं करेगी। अगर आपको फिर भी मसला है, मेरे इसके अलावा बिजनेस भी है, आपको अच्छे से पता होगा, मीन योंगी के नाम, मीन योंगी आपने सुना होगा, नंबर वन बिजनेसमैन, वो कोई और नहीं मैं खुद हूँ, मेरा अंडरवर्ल्ड में नेम शो है, बट बिजनेस उसमें मेरा नाम मीन योंगी है। तो अगर आपको कोई मसला है, मैं ये छोड़ तो सकता हूँ बट कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये छोड़ने के बाद कोई ना डेंजर नहीं होगा, बट आप बट मैं इतना ज्यादा कैपेबल हूँ कि मैं जिमिन का ना ख्याल अच्छे से रख सकूं। तो फिर ना जो ना वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बट हमें फिर भी अपने बेटे की सेफ्टी का ख्याल रहेगा, अगर तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे एनिमीज तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तो फिर कहते हैं ना उसकी आप फिक्र ना करो, उसके लिए मैं अपना ना सारा चीज अपने ना किसी एक पर्सन को जो मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन है, मैं उसको आराम से दे रहा हूँ, वो आराम से हैंडल कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। तो अगर देखिए ना, अगर तुम श्योर हो तो ठीक है, वरना अगर कुछ भी आगे चल के मेरे बेटे को हुआ तो फिर याद रखना मैं नहीं होंगी,
मैं तुम्हारा खुद कत्ल करूंगा। फुल मेरे पास भी गन है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, बट मेरे पास एक गन है। मुझे स्टार्टिंग से गन्स का शौक था। ये इसके जिमिन मिस्टर भाग बोल रहे थे, वो कहते कि ना मैं उसी से तुम्हें शूट करूंगा। मैंने काफी टाइम से चलाई नहीं है, बट मुझे चलानी आती है। तो फिर ना जो यूनमिन ने स्माइल किया था, वो कहते मुझे कोई मसला नहीं। और ना जो जिमिन था वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, बट उसने अपनी सर अभी सर ऊपर नहीं किया था। वो कहते ना ओके हमें कोई मसला नहीं, बट 2 days बाद तुम दोनों का मैरिज होने वाला है, तब तक तुम दोनों आपस में कोई बात नहीं करोगे और अब आप ना यहाँ से जा सकते हो। ये बोल के ना मिस्टर पार्क वहां से चले जाते, सारे केक करके चले जाते और फिर ना सारे ना चले जाते और फिर ना जो जिमिन को भी ना ले गए थे। तो ना यूंगी ना बस एक ही सांस लेता, बिकॉज उसको ना जिमिन से बात करना था, बट अब 2 days का क्या उसके पास होता है, बस 2 days है ना उसके बाद, तो फिर वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। ये वो सोच के वहां से चले जाता। अब हम ना टाइम स्किप करते हैं, 2 days बाद जहाँ पे ना दोनों एक दूसरे के सामने आई पे खड़े थे और जो स्टोन से ना वॉल से लेने का कहते हैं और दोनों ने लेते हैं। और मुझे वॉल से नहीं याद है, मुझे हमेशा की तरह मैरिज रिचुअल्स नहीं याद, मुझे याद ही नहीं रहते, बाहर चुप गया। तो दोनों का ना मैरिज हो जाते, दोनों ये साइड बोलते हैं और फिर ना दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे। और फिर ना जो यूंगी ना ऐसे स्लोली से ना अपना हाथ रखता है उसके स्टमक पे, तो फिर कहते कि ना तुम्हारा स्टमक वॉर्म है, बट मुझे फील नहीं हो रहा, हमारा स्टमक थोड़ा सा तो बाहर होना चाहिए था। तो फिर ना जो यूंगिन की तरफ ना जिमिन ने ऐसे अजीब सा मुंह बना के देखते थे, तो हम कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो। तो फिर ना जो यूंगिन हंसने लगता है और वहां पे ना वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पैशनेट किस करते हैं, जो प्रिंसटो उनको किस करने का बोलते हैं। और करने के बाद वो ना फुल एक फैमिली सारे मिल के ना वो करते हैं ना फोटो खिंचवाते हैं। और वहां पे मैं आपको बताना भूल गई कि जो ट्रस्टेबल पर्सन था, आपको आइडिया तो हो गया होगा यूंगी किसकी बात कर रहा था, तो यूंगी जेहोक की बात कर रहा था। तो सब हो गया था, मैनेज हो गया था, वरना सारे ना बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि हर चीज सेटल्ड हो गई। और उसके बाद वो दोनों ना वो वहाँ पे वो ज्यादा हैप्पी थे, वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। ये वाला स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ स्टोरी ठीक हो गई। तो चलिए टाटा बाय बाय।